ओम क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। आपण मानकर सुंदर सदिच्छा श्री गुरुजी नानक जी के संपर्क रे चर्चा को जारी रखी। श्री गुरुजी परिव्राजक रूप से इतस्तत भ्रमण करती एवं जेऊं जेऊं ग्राम मानकर से पहुँच हुवंती से स्थान मानक जेऊं जेऊं शहर मानक से पहुँच हुवंती से स्थान मानक जेऊं जेऊं जंगल अंचल मध्य हो सेठी पहुँच हुवंती से स्थान मानक प्रचुर जनसमागम हुए। गुरुजींकर बाणी तंकर हित उपदेश तंकर गुरुवाणी गायन शैली समस्ते प्रभावित हुवंती आउ जिए तंक संस्पर्श रे थरे आसिला जेमिति चुंबक लुहा को टाणी निज पाखरे रखी दिए आउ लुहा ठारे मध्य चुंबकर गुण तैयारी हो जाए सेमिति से प्रत्येक को टाणी निज पाखरे रखी नियंती आउ तंकु सिखौ सिखौ सुंदर सिख टिए करि दियंती। आज गुरुजी पानीपत यात्रा सारिचंती भाई मर्दानांक सहित किछि बाट आसिला परे जमुना नदी कूल रे उत्तर दिल्ली रे पहाड़ उपरे गोटे सुंदर किला से सुंदर किलार प्राकृतिक सौंदर्य खूब आनंददायक पहाड़ सुंदर सबुज गच्छ आउपर किला ए प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देख भाई मर्दाना कहले गुरुजी ये किसी समय विश्राम करवा मजनुका किला नाम प्रसिद्धि लाभ कर उत्तर दिल्लीर एक अपूर्व किला तार निकटस्थ जंगल से गुरुजी विश्राम कले। गुरुजींकर आगमनर खबर आखपाख गाँवें पहुँचला श्रद्धा जहाँ पाखे थाए साधुसंथ प्रति निष्ठा जहाँ पाखे थाए से धनी हो कि गरीब हो से निश्चित रूप से साधुसंथ पाखकु दौड़ी चली आसे से संथंकर कृपा ताऊपर बरसी जाए। स्वामी स्त्री दीज भारी गरीब छोटिया कुड़िया घरे रहंती किंतु मनतांकर सदा सर्वदा ईश्वर प्रेम रे तल्लीन। जेतेबेले सुनिले जड़े महान संथ आम ग्राम निकटस्थ जंगल रे डेरा पकेचंती स्वामी स्त्री दुई जन जाक किछि खाद्य द्रव्य प्रस्तुत कले आउ दुई जन जाक आसी गुरुजी आउ भाई मर्दानांकर पाद तले प्रणाम कले। किछि समय सत्संग रे बसिले समस्ते चलीगला परे आनीथिबा खाद्य को गुरुजी को रात्रिभोजन पाई अर्पण कले आउ अनुरोध कले जे आपण को आमे एमती किछि भोजन देई पारिबु हेति पाई अनुमति दियंतु। गुरुजी सर्वज्ञता सबु से जानंती खाद्य रे तो कहार पेट पूरे ना केवल आउ केवल मनरे थिबा आवेग को मनरे थिबा समर्पण को मनरे थिबा प्रेम को मनरे थिबा गुरु भाव को से ग्रहण करंती तेणु से आदर रे ग्रहण कले आउ हम भी भरिले आगामी समय रे से माने चाहिले तांकु किछि एपरी खाद्य अर्पण करी पारंती। स्वामी स्त्री दुई जन जाक बड़ आनंदित हेले। गुरुजी एथर पचारले अच्छा कौन सबू कर बाबा सत्य जमी किसी जाणिना सबु जाणिथिबा लोक प्रश्न करे उद्देश्यमूलक भावे प्रश्न करे भक्त मनरे विश्वास उपजेबा पई प्रश्न करे भक्त सहित जोड़ी हि जिबा पई प्रश्न करे। ए दुई जन जाक करपत्र जोड़ी कहुचंती कौन आयु करिबु आज्ञा ए निकटस्थ गाँरे आमर कुड़िया घरटी ए जो पहाड़ उपरे जो किला से किला होची राजा इब्राहिम लोदींकर आमे दुई जन जाक तांको हातीशाल रे गोटे हाथी अच्छी से हाथीर जत्न नौ ताकू गाधेबा पाधेबा धुआ धुई करेबा ताकू मु शिक्षा दिए मु तार माहुंत मु ताकू ट्रेनिंग दिए युद्ध कौशल विषय रे सिखाए एवं मोर स्त्री ताकू खाद्य पेय घास इत्यादि थारु आरंभ करी अन्यान्य खाइबा पिबा दिए। स्वामी स्त्री दुई जन से हाथीर सेवा करू नानक जी खुशी हेले उभयंकु विदाय देले। किछि समय या भितरे गत हो गलाणी दिने सकाळ पवित्र प्रभातरु उठी मर्दाना भाई सुंदर भाव नै तंकर वाद्यजंत्र सहित गुरु नाम उच्चारण करुचंती गुरुवाणीर गायन करुचंती समुदाय परिवेश
दिव्य आध्यात्मिक भाव आच्छन्न समय रे दूरु शुणागला कहार कांदिबार शब्द। गुरुजी पचारुचंती मर्दाना देख तो देख किए जणे कांदुची। मर्दाना कहले हाँ गुरुजी कहार जणकर कांदिबार शब्द तो आसुची। देख तो बुझ बुझ किए कांदुची काहीकि कांदुची कौन तार असुविधा होई। मर्दाना कांदिबार शब्द को अनुसरण कले अनुसरण करी करी गोटे गाँव में पहुँचिले जंगल निकटवर्ती गाँ से गाँ जो गाँव में यही स्वामी स्त्री दुईज रोचान घर आगे भिड़ हो भिड़ भितर देखिले से प्रिय परिचित स्वामी स्त्री दुईज जाक कादुं पचारे अच्छा कहीं ये क्रंदन कौन पाई। मर्दाना प्रश्नर उत्तर शुणी तांकु पाखरे देखी जड़े सहानुभूति संपन्न संथ बोली जाणी दुईज आहुरी अधिक कांदी उठिले। आसंतु जड़े आलोचक को शुणा शिख धर्म विश्वास करे जे ईश्वर भितरे अछंती बाहरे मध्ये अछंती अंतर भितरे आमर अनुभव द्वारा आध्यात्म भावना द्वारा आम अनुभव करिपरिबा एवं बाहर प्रकृति प्रत्येक विषय जिनस भितरे मध्ये से विद्यमान तेणु ईश्वर जे गुरु नानक कहते जे मु हिंदू नुहे कि मुसलमान नुहे किंतु मु ईश्वरंकर अनुगामी। शिख धर्मर अनुगामी माने बारंबार वाहेगुरु उच्चारण करती वाहेगुरु अर्थ है हे ईश्वर मु तुम इच्छा निकटरे निजक समर्पण करुँ तुम्हें जहाँ निष्पत्ति नब ताक मु मानिनेबी मु से कौन से प्रश्न व द्वेष सृष्टि करी ना कारण ईश्वर ही जानती केउटी ठीक केउटी भूल एवं तांकर इच्छा को मानवा द्वारा निजर ही कल्याण हो समाज ही कल्याण हो पार। गुरु नानक कहते फादरहुड अफ गॉड ब्रदरहुड अफ मैन अर्थात ईश्वर सारा संसार समस्त मनुष्यंकर आध्यात्मिक पिता अटंती मनुष्य माने जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग निर्विशेष समस्ते भाई भौणी होई निज भितरे भाईचारा सृष्टि करिबा दरकार एवं ई भातृत्व भाव ही प्रेम सृष्टि करे एवं ईश्वरंकर निकटतर होवापाई प्रेरणा जोगे थाए। शिख धर्म रे कोनसे अवतार को ग्रहण करा जाए ना जमी हिंदू धर्म ग्रहण करा जाए ठीक से ही एथेरे कोनसे पैगंबर बा प्रोफेट बा धर्म प्रवर्तक मध्य नाहंती केवल एठी गुरु को ही विश्वास करा जाए गुरु को ही ग्रहण करा जाए। गुरु होचंती जणे तेजदीप्त आत्मा इल्यूमिनेटेड सोल एथेरे कर्म कथा कह जाए शिख धर्म कर्म नियम द्वारा बंधा भल कर्म कले भल फल मिल मंद कर्म कले मंद फल मिल तेणु कर्म अनुसार ही ये कार्य प्रत्येक कार्य करा उचित। आम कार्यक्रम को मर्दाना जितेबले तांकु कांदिबार कारण पचारे सेतेबले कांदी कांदी व्यक्ति जनक कहिला राजा इब्राहिम लोदींकर प्रिय हाथी जहार आमे स्वामी स्त्री दुईज देखाशुना करूलु सी मरीगला हाथी मरीगला तुमर कांदिबार कौन अच्छी हाथी मरबारे तुम्हें कौन असुविधा करिछ। हाथी एक विशाल जंतु एवं एठी किए मरब किए बंचिबो मरण आउ जन्म ये तो ईश्वरों इच्छा हुए। भाई मर्दाना बुझेबा को लगिले सांत्वना देवाई चेष्टा करने को लगिले आपण जाणि नाहंती आज्ञा रजा गोजा जहाँ बुझिथे से जदि सी बुझ बसंती जे आम अवहेलू हाथी मरीगला आउ आम स्वामी स्त्री दुईज मुंड कौन रम पर उच्छन्न होगला आम व्याकु कांदवाक लगिचु। यही खबरटा भाई मर्दाना गुरुजी पाखे कहले गुरुजी जोटी डेरा पकई से स्थानु चली चली आसिले ग्राम से पत्रकुड़िया पर्यंत से पर्यंत व्यक्ति जनक आउ तांक स्त्री कांदिबारु विरत हो नाहंती। गुरुजी प्रबोधन दे कहिले कांदना कांदना काहीं कांदुच हाथी मरी जाइछि बोली अच्छा जदि तुमर हाथी बंची उठे ताहले तुम मन खुशी हो जीव तो आउ तुम कांदिब नाही तो। लोकटी एथर बड़ बड़ आखि करी गुरुजी आड़ को चाहिला कि कौन कहुचंती जीए संसार रे मरी गला सी कौन आउ केबे बंची पारिब मला लोक कि आउ फेरी आसे कौटी एमती कौन सुना जाइची प्रश्न पचारी देला आपण कौन कहुचंती
मौला हाथी कौन बंचिव? हाँ बंचिव, कहीं बंचिवनी। तुम्हें जाओ तार कान पाखरे तार मथा को आउसी कह, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। पूर्ण प्राण भक्ति भाव रे ईश्वर तुमको साहाज्य करिवे यही भाव नहीं ता कान पाखरे कह। देख कौन होची, जेमिति गुरुजी कहिले अबिकल से हीपरी से लोकटी हाथीर मुंड को आउसी तार कान पाखरे मुह रखी कहिला, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। हाथी टिके गोड़ आंटिला, धीरे 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 झाड़ी हला, तापर ठिया हो पड़ा। समस्ते आश्चर्य हो गले, बेड़ी लोक मैने गुरुजी जय जयकार करने को लगिले। ओहो केड़े बड़ संथ, मला हाथी को मध्य बंचे दे पारिले। एणे कांदुवा लोकटी आउता पत्नी उभयंकर कांद बंद होगला, जा हो राजरोषर शिकार हवाक पड़बन आउता मुंड कटिवन। गुरुजी निज सत्संग स्थान बा डेरा को फेरी आसिले, दूत खबरटा नहीं गला राजा इब्राहिम लोदी पाखक। किंतु जी राजवैद्य से राजवैद्य जानी हाथीर मरिवार कारण, कारण हाथी बुढ़ा ही सारी, तार बयस होता, से रोगाक्रांत थिला, तेणु से मरवा एक स्वाभाविक कथा, तेणु हाथी मरवार खबर से राजा कान में पकई सारी। किंतु दूत दौड़ी दौड़ जाए कहिला, महाराज महाराज आचंबित होगला, आश्चर्य होगला, अद्भुत कथा होगला। राजा इब्राहिम लोदी पचारे कौन आश्चर्य होगला, ना आम मला हाथी बंचीगला। राजा इब्राहिम लोदी पचारे एमती केमती है मला हाथी बंची उठिला? हाँ आज्ञा, जड़े सन्थ आसी यमुना नदी कूल जंगल रे रोचे, सी बड़ सुंदर प्रवचन दौंस, मुखर बड़ सुंदर तेज बाहर आए आसिले। हाथीर जी महंत कहले कान ईश्वर ईश्वर कह, से हे ईश्वर हे ईश्वर कहला, हाथी बंची छिड़ाला। राजा इब्राहिम लोदी गुरुजी नानक जी को परीक्षा करने इच्छा कले, ये कौन सत जे जड़े सन्थ चाहिए मला हाथी को बंचे दे पार? ये कहानी शेष भाग शुणा, किंतु एवं जड़े आलोचक दुईपद कथा शुणा। नानक तांकर जो नीति आदर्श सब स्थापन कर शिखधर्म ता गुरु ग्रंथ साहेब रे लिपिबद्ध हो रही, एक पवित्र ग्रंथ शिखधर्म गुरुंकर महत बाणी, गुरुंकर निर्देश एवं तांकर जो आचरण एवं व्यवस्था जहाँ सब रही, श्रृंखला जो रही, नीति जहाँ रही, से गुरु ग्रंथ साहेब लिपिबद्ध हो रही, गुरुंकर तत्वगुड़िक प्रतिपादन कराई शास्त्र, तेनाली आदि शास्त्र कहुए शिखधर्म आदि ग्रंथ बोली कहुए। ग्रंथ हूँ से कहते ये हूँ, ग्रंथ हूँ पवित्र ईश्वर ये हूँ बाणी, तेना गुरु को से ईश्वर बोली ग्रहण करती, जेहेतु तर धर्म कौन ईश्वर अलग प्रकार ईश्वर नहांती, कौन देवादेवी को पूजा करती ना, से गुरु को ही ईश्वर मानती। से गुरु ग्रंथ साहेब रे जहाँ जहाँ तत्व सबू गुरु आरंभ कर नानक आरंभ होता श्रृंखलित जीवन जापन पर गृहस्थ मानी हो जो मैंने कर्म तत्पर कर्म सन्यास जो मैंने नहीं जो मैंने से आश्रम आश्रित आश्रित होकर रही मंदिर आश्रित गुरुद्वार जो मैंने आश्रित होकर रही, ये समस्त एक पवित्र निर्देशावली एथेरे सब रही पवित्र ग्रंथ बोली कहुए। जमी हिंदू मान वेद हूँ आम पवित्र ग्रंथ, से भाव में शिखधर्म अनुजाई मानी यही हूँ पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहेब, ये हूँ आदि ग्रंथ तांकर। ता परवर्त समय से परवर्त समय जो गुरु मैंने आसिले बाकी जो नौ जन गुरु आसिले क्रम गुरु नानक आरंभ कर पवित्र बाणीगुड़िक परवर्त समय शिखधर्म ग्रहण कर गुरुद्वार से लिपिबद्ध करके रखि था। हिंदू मान कि बाणी हिंदू मान गुरु मान शास्त्र मानक किसी महत बाणी एवं इस्लाम धर्म किसी महत बाणी महत तत्व यही सम्मिश्रण कर गुरु नानक यही ग्रंथर सब उपदेश देखते, कारण से चाहूल जे गोटे शांति आ मैत्री श्रृंखला यही भाव में समस्त भितर बढ़ू, समस्त भितर परस्पर भितर यही भाव समन्वय रक्षा होता विश्व एक श्रेष्ठ धर्म रूप से परिपालित हो। आज कार्यक्रम गुरुजी नानक जी अद्भुत कर्मा गुणावली संपर्क में आम चर्चा करुचे। राजा इब्राहिम लोदी आसी से महंत घरे पहुँचिले, गुरुजी नानक जी मध्य पहुँचिले। राजा पचारुचंती, हे संथ
कौन मला हाथी बंची पारे आपण कौन अद्भुत जादू जानी किमिया बलरे जादू बलरे काला जादू करी आपण ये हाथी को बंचेले। गुरुजी हसी हसी कहिले सबुकिछि तांकरी हातरे मु किछि करी नाही करी पारिला भली सामर्थ्य मोर काही जी से ही परमेश्वर परमात्मा से ही सबुकिछि करिछि से ही कहा को बंचेई पारे से ही कहा को मारी पारे किंतु समस्ते कहउछन्ती जे आपण मला हाथी को बंचेई देले बोली समस्ते घटनाटा को जहाँ देखी जहाँ बुझिले सेपरी कहउछन्ती किंतु जहाँ देखा जाऊ नहीं या भीतरे लुचि रही ताऊँच ये सब ईश्वरों इच्छा ईश्वरों इच्छा रे ईश्वर ही जन को बंचे पारती ईश्वर इच्छा रे ईश्वर ही जन को मारिदे पारती। रजा कहले सते ताले ईश्वर कौन इच्छा कले हाथी की पुणी मारिदे पारे अवश्य अवश्य जितेबले ईश्वर इच्छा करे हाथी पुणी मरी जापर ए कथा कौन अच्छी तेबे आपण हाथी को मारी देखांतु तो गुरुजी से ही ईश्वर उद्देश्य रे प्रणाम करी कहिले हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर हाथीटी तत्क्षणात मरी भूमि ऊपर पड़ीगला। राजा इब्राहिम लोदी कहिले वाह 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 आपण केते पहुँचे हुए साधु आपण केते अपूर्व संथ मला हाथी को बंचेई देले पुणी ताकू जेतेबेले चाहिले मारिदे पारिले ओह आपणकर करित्कर्मा गुण पाखरे मु भारी खुशी आपणकर गुणावली को वर्णन करिपारिबी नाही आपणकर जय हो आपणकर जय जयकार मु करूची चालंतु चालंतु हातीरा मोर बंची उठिथिला काही की बिचारा मरिबो आपण आउथरे ताकू बंचेई दियंतु। गुरुजी कहले ना आउता होई परिबो नाही काही की होई परिबो नाही आपण एबे त कहुतिले सब ईश्वर इच्छा रे हेउची आपण ईश्वर को कहंतु ईश्वर सेपरि करिवे। गुरुजी कहिले ईश्वर आम इच्छा मानवापी बाध्य नुहतीबले आम काकृत हो समर्पित होता दुख कष्टर उद्धार हाबापी शरणापन्न हो डाकि से आम कथा शुणी मला हाथी को जीवनदान देते जितेबले परीक्षार बेल आसला से जड़े संथर आवाहन जड़े संथर आग्रह जड़े संथर तांको पाखरे प्रार्थना रे से जीवंत हाथी को बा जीवंत हाथी को पुणी थरे मारिदेले किंतु आउ से हाथी जीवन्यास पाइब नाही तार कारण ईश्वर तांकर जो लीला करिचंती कार्य करिचंती तार विरुद्ध रे संथ केबे जाए ना ये प्रकृति रे जो नियमावली मान रही ईश्वर स्वयं से नियम को पालन करती संथ मध्य से सबूर रक्षणाबेक्षण कराए तेणु भक्त स्वरूप भक्त रूप से ईश्वर पाखरे भाव आउ भक्ति रे प्रार्थना कले ईश्वर प्रकृतिर विपरीत जा भक्तर मान को रखिदी भक्त शरणापन्नर कथा को शुणी किंतु एक नुहे यार अर्थ नुहे जे जड़े बारंबार ईश्वरों इच्छा को विरोध करिबो तेणु ये मला हाथी आउ बंची पारिबो नाही। राजा इब्राहिम लोदी गुरुजी बहु सम्मान कले आखपाखरे गुरुजी जय जयकार हला किछि दिनर सत्संग परे गुरुजी पुणी से स्थान छाड़ी आग को चलिले ज्ञान बांटिबा पई तत्व बांटिबा पई शिष्य प्रशिष्य मानंकु संग्रह करिबा पई आसंतु आउ जणे भक्तों ठारु आउ दुई पद कथा शुणी नवा। गुरु नानक समय भारत वर्ष रे धर्म भाव बहु भाव रे प्रसारित होता है से बेले गुरु नानक गोटे कथा चिंता कले कहले जे खाली आमे गुरु शिष्य मानक तैयारी कले हबरे शिष्य मानक भितरे आमे भातृभाव आम सृष्टि करवा दरकार से विश्वास करथुले जे ब्रदरहुड अफ मैन फादरहुड अफ गॉड से गोटे पटे ईश्वर थे आउ गोटे पटे मनीष ईश्वर मानते तेणु से दुईट कथा प्रवर्तन कले से जो धर्मशाला प्रतिष्ठा करते जहाँ को आम परवर्त काल रूपातरित तो कलु गुरुद्वार को से दुईट मुख्य कथा गोटे है संगत आउ गोटे पंगत
ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଅଛି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିକି ତା ସହିତ ସେ ନାଚିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏତେ ଭାବ ଆସୁଥିଲା ଭକ୍ତିଭାବ ଆସୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଲୋକ ଜାତି ସେଠି ଜାତି ରହିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଜାତି ରହିବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ସଙ୍ଗତ କହୁଥିଲେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସେ ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ହରିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଟା ହେଉଛି ଏ ପଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ପଙ୍ଗତ ପଙ୍ଗତ କ'ଣ ଗୁରୁ କା ଲଙ୍ଗର ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେ ସେଠି ଆପଣ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ତାପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେଇ ସେୟାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟର ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଚିହ୍ନିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ମେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ନା ମେ ମୁସଲମାନ ହଉ ନା କୋଇ ହିନ୍ଦୁ ହୁଏ ନା କୋଇ ମୁସଲମାନ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା ଗୁରୁବନ୍ଦନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସଂହାର ଭଜରେ ଗୁରୁ ନାମ ଓ ଭଜରେ ଗୁରୁ ନାମ ଜପରେ ଗୁରୁ ନାମ ଭଜରେ ଗୁରୁ ନାମ ଜପରେ ଗୁରୁ ନାମ ସଫଳ ହୋଇବ ତୋର ସଫଳ ହୋଇବ ତୋର ସଫଳ ହୋଇବ ତୋର ସକଳ କରମ ମଣିଷ ଜନମ ପାଇବୁ ପରମ ଭଜରେ ଗୁରୁ ନାମ ଭଜରେ ଗୁରୁ ନାମ ଜପରେ ଗୁରୁ ନାମ ଯଦି ପରମଙ୍କୁ ପାଇବୁ କରମରେ ସଫଳ ହେବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସଫଳ କରିବୁ ତାହେଲେ ଗୁରୁନାମ ଟିକେ ଭଜୁଥା ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆଜି ରହୁଛି ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।